अध्याय पाँच, अनुपात एवं समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। अनुपात, रेशियो। हमें अपने दैनिक जीवन में कई जगहों पर तुलना करने की आवश्यकता पड़ती है। यह तुलना बहुत बार अनुपात लेकर ही स्पष्ट हो पाती है। उदाहरण के लिए, अगर हमें कबड्डी खेलने वाली तीन टीमों ए, बी और सी के वर्ष भर के प्रदर्शनों की तुलना करनी है, तब यह हम कैसे कर पाएंगे? इनमें से टीम ए ने अब तक कुल 5 मैच खेले हैं, जिसमें से 3 मैच जीते हैं। टीम बी ने अब तक 12 मैच खेलकर 5 मैच जीते हैं तथा टीम सी ने 18 मैच खेलकर 13 मैच जीते हैं। अब यह जानने के लिए कि इन टीमों में किसका प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा है, इन तीनों के द्वारा जीते हुए मैचों की संख्या तथा खेले हुए कुल मैचों की संख्या के अनुपात के रूप में लिखते हैं। टीम ए का प्रदर्शन अनुपात में बराबर 3:5 बराबर 3/5। टीम बी का प्रदर्शन अनुपात में बराबर 5:12 बराबर 5/12। टीम सी का प्रदर्शन अनुपात में 13:18 बराबर 13/18। लेकिन इनके प्रदर्शन के अनुपातों को देखकर यह बता पाना संभव नहीं है कि किसका प्रदर्शन अच्छा है, क्योंकि प्रत्येक टीम के द्वारा खेले गए मैचों और जीते हुए मैचों की संख्या अलग अलग है, जिसके कारण इनके हर असमान हैं। अतः हर को समान करने पर टीम ए का प्रदर्शन होगा 3×36/5×36 बराबर 108/180। टीम बी का प्रदर्शन बराबर 5×15/12×15 बराबर 75/180। टीम सी का प्रदर्शन बराबर 13×10/18×10 बराबर 130/180। अब हम इन अनुपातों को देखकर यह कह सकते हैं कि टीम सी का प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा। करके देखें। प्रश्न एक, निम्नलिखित में से किस भूखंड का तुलनात्मक क्षेत्रफल सबसे अधिक है? पहला, 5 वर्ग मीटर में से 5 वर्ग सेंटीमीटर का। दूसरा, 30 वर्ग सेंटीमीटर में से 3 वर्ग सेंटीमीटर का। तीसरा, 10 वर्ग मीटर में से 9 वर्ग सेंटीमीटर का। अनुपात का व्यावहारिक उपयोग, दिए गए तथ्यों के आधार पर जानकारी पता करना। अक्सर हम वास्तविक तथ्यों के आधार पर कुछ निष्कर्ष निकालते हैं, जैसे हमें पता है कि पृथ्वी का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लगभग 510 मिलियन वर्ग किलोमीटर है, जिसमें लगभग 360 मिलियन वर्ग किलोमीटर जल भाग और लगभग 150 मिलियन वर्ग किलोमीटर थल भाग है। अब हम इन तथ्यों के आधार पर बता सकते हैं कि पृथ्वी पर जल भाग और थल भाग किस अनुपात में है, तथा यह भी कि पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग जल से ढका है और कितना प्रतिशत भाग थल है। आइए यह पता करते हैं। दिए गए तथ्य, पहला, पृथ्वी का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 510 मिलियन वर्ग किलोमीटर। दूसरा, पृथ्वी का जल भाग बराबर 360 मिलियन वर्ग किलोमीटर। तीसरा, पृथ्वी का थल भाग बराबर 150 मिलियन वर्ग किलोमीटर। ए, पृथ्वी पर जल भाग व थल भाग का अनुपात बराबर 360:150 बराबर 360/150। हल करने पर मिलेगा 12/5 या 12:5, अर्थात पृथ्वी पर जल भाग व थल भाग का अनुपात 12:5 है। बी, पृथ्वी पर जल भाग का कुल पृथ्वी से अनुपात बराबर 360:510 बराबर 360/510। हल करने पर मिलेगा 12/17 या 12:17। प्रतिशत में बराबर 360/510×100% बराबर 70.58%। अब आप इसी तरह
पता करें कि संपूर्ण पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग थल है। यहाँ हमने तीन अलग अलग टीमों के प्रदर्शन की तुलना की। अलग अलग वर्षों में एक ही टीम के प्रदर्शन की तुलना भी की जा सकती है। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण एक, छत्तीसगढ़ राज्य की हॉकी टीम का राष्ट्रीय स्तर पर खेले गए मैचों में प्रदर्शन निम्नानुसार है। एक, वर्ष 2016 में 12 मैच खेलकर 10 मैच जीते। दो, वर्ष 2015 में 10 मैच खेलकर 7 मैच जीते। तीन, वर्ष 2014 में 11 मैच खेलकर 8 मैच जीते। इन तीन वर्षों में टीम का प्रदर्शन किस वर्ष सबसे अच्छा रहा, कारण सहित बताइए। हल, छत्तीसगढ़ हॉकी टीम की राष्ट्रीय स्तर पर खेले गए मैचों में प्रदर्शन के आधार पर निष्कर्ष निकालने के लिए इन प्रदर्शनों को अनुपात में लिखते हुए प्रतिशत में बदलते हैं। आइए देखते हैं। पहला, वर्ष 2016 में प्रदर्शन, अनुपात में 10:12। अब इसे हम प्रतिशत में ज्ञात करेंगे। प्रतिशत में निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 10:12, तो 10/12 गुणित 100 प्रतिशत। इसको हल करने पर हमें प्राप्त होगा 83.34%। उसी तरह से दूसरा, वर्ष 2015 में प्रदर्शन, इसको हम अनुपात में लिखेंगे। पहले तो अनुपात में हमारे पास दिया हुआ है 7:10, और इसी को हम जब हम प्रतिशत में निकालेंगे तो प्रतिशत में निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको अनुपात को बटे में लिख लेंगे, 7/10 गुणित 100 प्रतिशत। इसका मान हमारे पास आएगा 0-0 कटने पर 10 × 10 = 70%। उसी तरह से हम तीसरा जो है, वर्ष दिया गया है हमारे पास, वर्ष 2014 में प्रदर्शन, ये अनुपात में हम लिखेंगे। पहले इसको अनुपात में हमारे पास दिया है 8:11। अब इसे हम पुनः प्रतिशत में ज्ञात करेंगे, प्रतिशत में निकालेंगे तो ये 8/11 गुणित 100% बराबर, इसको हल करने पर हमें प्राप्त होगा 72.73%। अब कहीं हम 2016 का हमने प्रतिशत 83.34% निकाला, वर्ष 2015 का 70% निकाला और वर्ष 2014 का हमने 72.73% निकाला। तो टीम का वर्ष 2016, 2015 एवं 2014 में प्रदर्शन क्रमशः 83.34%, 70% व 72.73% है। अतः हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि पिछले दो वर्षों की तुलना में वर्ष 2016 में हॉकी टीम का प्रदर्शन ज्यादा अच्छा रहा, ज्यादा
अच्छा रहा। तो हमने निष्कर्ष निकाला कि वर्ष 2016 में हॉकी टीम का प्रदर्शन ज़्यादा अच्छा रहा, क्योंकि वर्ष 2016 में सबसे अधिक 83.34% हमारा टीम का प्रदर्शन हो रहा है। तो यह इस प्रश्न का हल होगा। उदाहरण 2, माह अगस्त 2016 में महानदी के जलस्तर के बढ़ने की औसत दर 5 इंच प्रति घंटा थी, जबकि माह 2 सितंबर में यह 3 फीट प्रति दिवस थी। ज्ञात कीजिए कि किस माह में जलस्तर बढ़ने की औसत दर अधिक है। इसके लिए हम हल देखेंगे। हल में सबसे पहले हम माह अगस्त में, माह अगस्त, माह अगस्त में जलस्तर बढ़ने की दर ज्ञात करना है हमें। तो दर दिया हुआ है हमारे पास, दर दिया है माह अगस्त में जलस्तर बढ़ने की दर है 5 इंच, 5 इंच प्रति घंटा। उसी तरह से माह सितंबर में जलस्तर की बढ़ने का जो दर है, जलस्तर बढ़ने का दर, बढ़ने की दर बराबर हमारे पास दिया 3 फीट, 3 फीट प्रति दिवस, दिया हुआ है। तो अब हम सबसे पहले 3 फीट यहाँ दिया है, ऊपर में हमारे पास अगस्त में 5 इंच दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम फीट को इंच में बदलेंगे। तो क्योंकि हम जानते हैं कि 1 फीट में 12 इंच होता है, तो 12 फीट की जगह गुणा 12 इंच लिख लेंगे, इंच प्रति 24 घंटा, क्योंकि एक दिवस में 24 घंटे होते हैं। तो ये हो गया 36 इंच, 36 इंच बटा 24 घंटा। अब इसको 12 से हम काटेंगे, 12 तिया 36, 12 दूनी 24, तो ये हो जाएगा 3/2, 3 इंच बटा 2 घंटा, या 1.5 इंच प्रति घंटा। अब पहला जो हमारे पास आया था, माह अगस्त का जलस्तर बढ़ने का दर 5 इंच प्रति घंटे है, और माह सितंबर में जलस्तर बढ़ने की दर जो है 1.5 इंच प्रति घंटे हैं। तो अर्थात माह अगस्त में, माह अगस्त में जलस्तर में बढ़ने की दर 5 इंच प्रति घंटा है, जो माह सितंबर से में जलस्तर बढ़ने की दर से अधिक है। तो हम कह सकते हैं कि माह अगस्त में जलस्तर बढ़ने की दर अधिक है, क्योंकि हमने माह अगस्त में जलस्तर बढ़ने का दर 5 इंच प्रति घंटा दिया है, और माह सितंबर में जलस्तर बढ़ने की दर हमने ज्ञात किया 1.5 इंच प्रति घंटा, जो कि बहुत कम है माह अगस्त से। इसीलिए हम कह सकते हैं कि माह अगस्त में
जल स्तर बढ़ने की दर जो है माह सितंबर से अधिक है, यह इस प्रश्न का हल होगा।